गुप्त सूचना के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई ने पटना के रूपसपुर पुलिस थाने के थानाध्यक्ष मधुसूदन के ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध रूप से धन अर्जित किया है। मिली जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष मधुसूदन के औरंगाबाद के चोरम गांव स्थित पैतृक आवास आनंद विहार कॉलोनी स्थित आवास का रूपसपुर थाना परिसर में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की। आर्थिक अपराध इकाई से मिली जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष मधुसूदन ने अपने वैध स्रोतों से करीब 62.57% अधिक संपत्ति अर्जित की। साथ ही थानाध्यक्ष ने अपने परिजनों के नाम से भी वैध संपत्ति खरीदी है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।